हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी विद डॉक्टर कल्पेश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। आज इस वीडियो में हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ केरीज। इसके पहले भी हमने केरीज का क्लासिफिकेशन बताया हुआ है, जो जीबी ब्लैक का क्लासिफिकेशन है उसको आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे केरीज का डेफिनेशन और उसको किन किन फैक्टर्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं वो देखेंगे। ऐसे तो केरीज को बहुत तरीके से क्लासीफाई किया गया है और किया जा सकता है, लेकिन जो मेन फैक्टर्स हैं जिनमें हम क्लासिफाई कर सकते हैं वो आज हम समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर पहली बार आप हमारा चैनल विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके की वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर लें। तो चलिए आते हैं फ्रेंड्स अब टॉपिक में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल केरीज, तो सबसे पहले मैं आपको केरीज का डेफिनेशन बता देता हूँ। ऐसा जनरली अगर बात करें तो डिस्ट्रक्शन ऑफ कैल्सिफाइड टिश्यू, और ऐसी कई सारी डेफिनेशन है केरीज की, लेकिन जो ब्रॉडली एक्सेप्टेड है वो एक डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ शेफर्स की। अकॉर्डिंग टू शेफर्स, डेंटल केरीज इज अ माइक्रोबियल डिसीज ऑफ कैल्सिफाइड टिश्यूज ऑफ टीथ विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिमिनरलाइजेशन ऑफ इनऑर्गेनिक पोर्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिक पोर्शन ऑफ द टूथ। तो ये एक डेफिनेशन है जो ब्रॉडली एक्सेप्टेड है, इसको आपको याद करना है। अब समझ लेते हैं क्लासिफिकेशन, किन किन मेन फैक्टर्स पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं केरीज को। तो आइए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ डेंटल केरीज, जिसको हम क्लासिफाई करेंगे। आप इसी चार्ट में इसको याद कर सकते हैं तो आपको याद करने में आसानी होगा। जो मेन फैक्टर्स हैं वो तीन फैक्टर्स हैं जिनमें हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ऐसा लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो होता है अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी। कैसे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी कैसी है टीथ की, कहाँ पर केरीज होती है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड आता है अकॉर्डिंग टू सीवीआईटी। सीवीआईटी क्या है केरीज की, या इसको ये भी बोलते हैं एंड प्रोग्रेशन ऑफ लीजन। जो केरीज है उसका प्रोग्रेशन कैसा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड आ जाता है अकॉर्डिंग टू एज पैटर्न। अकॉर्डिंग टू एज पैटर्न मतलब किस एज ग्रुप में हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो ये तीन हेडलाइंस में आप इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी, अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी एंड प्रोग्रेशन ऑफ लीजन, एंड अकॉर्डिंग टू एज पैटर्न। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी समझ लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी जो फर्स्ट होता है पिट एंड फिशर केरीज। पिट एंड फिशर केरीज सेकेंड होता है, अभी पहले मैं इसका लिख देता हूँ फिर हम इसको समझते हैं। सेकेंड होता है स्मूथ सरफेस केरीज। स्मूथ सरफेस केरीज इसके बाद थर्ड आ जाएगा रूट केरीज। रूट केरीज और लास्ट आ जाएगा लीनियर इनेमल केरीज। ये अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी में चार हमारे पास हैं। तो मैं इनको बता देता हूँ। पहले पिट एंड फिशर केरीज, तो पिट एंड फिशर केरीज हैं वो टूथ के पिट एंड फिशर वाले एरियाज में होंगी, जैसे नाम से पता चलता है। उसके बाद स्मूथ सरफेस केरीज, स्मूथ सरफेस केरीज जो हैं वो किसी भी एरिया में हो सकती है, ऑल द सर्फेसेस ऑफ द टीथ किसी भी सर्फेस में हो सकती हैं, मेनली बक्कली और प्रॉक्सिमल सर्फेसिस में। इसके बाद आते हैं रूट केरीज, जो रूट केरीज नाम से पता चलता है रूट्स में होंगी, लेकिन इसको हम बताएंगे कैसे। रूट केरीज होती हैं सीमेंटो इनेमल जंक्शन और सीमेंटम, या तो सीमेंटो इनेमल जंक्शन में होगा या सीमेंटम में होगा, वो हो रूट केरीज होती हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम फोर्थ में लीनियर इनेमल केरीज। तो लीनियर इनेमल केरीज जो होती हैं वो लेबियल सर्फेस ऑफ एंटीरियर्स में होंगी, एंटीरियर्स में होंगी लेबियल सर्फेस की तरफ। अब आ जाते हैं हम सेकेंड पॉइंट में हमारे अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। तो पहले मैं इसके नाम आपको बता देता हूँ। इसमें जो होता है सबसे पहले इनसिपिएंट केरीज। इनसिपिएंट केरीज
इसके बाद हम आते हैं सेकेंड रैम्पेंट कैरीज, थर्ड जो होता है इसमें पहले इंसिपिएंट रैम्पेंट एंड इसके बाद जो थर्ड कैरीज होती हैं वो होती हैं अरेस्टेड कैरीज। और जो फोर्थ इसमें होती है रिकरेंट कैरीज, रिकरेंट कैरीज। इसके बाद जो फिफ्थ होती हैं वो होती है रेडिएशन कैरीज, रेडिएशन कैरीज। तो अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी एंड प्रोग्रेशन ऑफ लीजन में हमारे पास इंसिपिएंट कैरीज, रैम्पेंट कैरीज, अरेस्टेड कैरीज, रिकरेंट कैरीज एंड रेडिएशन कैरीज। तो आइए अब मैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले इंसिपिएंट कैरीज जो होती हैं वो होती हैं इनेमल में। इंसिपिएंट कैरीज में इनेमल में वाइट पैचेस दिखते हैं। इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस फ्लोरोसिस भी होता है, फ्लोरोसिस जैसा ये दिखता है कई बार। तो आपको ये याद रखना है जो इंसिपिएंट कैरीज है वो वाइट पैचेस होते हैं इनेमल में। इसके बाद रैम्पेंट कैरीज, जो रैम्पेंट कैरीज होती है वो बच्चों में होती है और ये या तो दो दांतों में होगी या दो से ज़्यादा दांतों में होगी। तो मेनली रैम्पेंट कैरीज में आपको ये याद रखना है कि ये बच्चों में होती है। इसके बाद हम आते हैं अरेस्टेड कैरीज में। तो जो अरेस्टेड कैरीज हैं वो इंसिपिएंट कैरीज की ही नेक्स्ट स्टेज हम इसको बोल सकते हैं। इंसिपिएंट कैरीज में वाइट पैचेस हो रहे थे, अरेस्टेड कैरीज में पिगमेंटेशन भी होने लगता है, ब्राउन कलर का पिगमेंटेशन भी अरेस्टेड कैरीज में होने लगता है। इसके बाद आती है रिकरेंट कैरीज। तो रिकरेंट कैरीज क्या होती है, अगर आपने कोई रेस्टोरेशन किया है, मान लीजिए वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है, कुछ कैरियस पार्ट वहाँ पर रह जाता है, तो रेस्टोरेशन करने के बाद वहाँ पर अगर कैरीज प्रोग्रेशन हो रहा है तो उसे हम रिकरेंट कैरीज बोलते हैं। तो ये हो गया रिकरेंट कैरीज। इसके बाद आता है रेडिएशन कैरीज, जैसा नाम से ही पता चलता है रेडिएशन के कारण होगा। तो अगर किसी पेशेंट में रेडिएशन ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए एक्सरे ज़्यादा लेते हैं उससे, या और किसी वजह से रेडिएशन ज़्यादा हो जाता है, तो उसके कारण जो कैरीज होगी उसको हम रेडिएशन कैरीज बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। अब हम आते हैं हमारे थर्ड फैक्टर में, तो अकॉर्डिंग टू एज पैटर्न। तो यहाँ आप नाम से समझ सकते हैं एज पैटर्न। तो अकॉर्डिंग टू एज होगा इसमें, तो सबसे पहले होगा नर्सिंग बॉटल कैरीज। इसके बाद जो सेकंड आता है वो होता है एडोलसेंट कैरीज। और थर्ड जो होता है वो होता है जेरियाट्रिक कैरीज। तो अकॉर्डिंग टू एज पैटर्न है, तो सबसे पहले नर्सिंग बॉटल कैरीज होती हैं जो बच्चे बॉटल फीडिंग करते हैं या जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तो उन बच्चों में देखने को मिलती है। और ये कैरीज सिर्फ मैक्सिलरी एंटीरियर्स में होती है, तो जनरली उन बच्चों में होती है जो बॉटल से फीड करते करते सो जाते हैं या फिर नाइट में ब्रेस्ट फीडिंग करते करते सो जाते हैं, उन बच्चों में ये ज़्यादा देखने को मिलती है नर्सिंग बॉटल कैरीज, मतलब कि अर्ली चाइल्डहुड में जब बच्चा छोटा है तब। इसके बाद जो सेकंड आता है एडोलसेंट कैरीज, तो एक्यूट कैरीज जो होती हैं वो जनरली 4 to 8 ईयर्स ऑफ एज में अटैक करती हैं। इस पीरियड के बाद जो भी कैरीज दिखाई देती हैं वो एडोलसेंट कैरीज के अंदर आते हैं। इसके बाद थर्ड है जेरियाट्रिक कैरीज। जेरियाट्रिक कैरीज मतलब कि जो जेरियाट्रिक पेशेंट में होगी, एजेड पेशेंट में होगी। तो जो जेरियाट्रिक पेशेंट होते हैं, एजेड पेशेंट होते हैं अराउंड 50 और उसके ऊपर वाले, उनमें रिसेशन देखने को मिलता है। रिसेशन होने के कारण जो सीमेंटम है वो भी वहाँ से थोड़ा हट जाता है और उस समय जो हमको कैरीज देखने को मिलती हैं उनको हम जेरियाट्रिक कैरीज के अंदर रखते हैं। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन, एक बार आप देख सकते हैं, ऐसे ही आप इसको याद करेंगे तो आसानी होगी आपको। और आज का वीडियो हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है, आज का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और किन टॉपिक्स पर आप और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं। और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें।